उपमंडल फतेहपुर की पंचायत कुटवासी के गांव बदबाड़ा के तहत पड़ते शहीद बाबूराम मार्ग की हालत इतनी खस्ता हो गई है कि कुछ जगह वाहन चलना तो दूर पैदल चलना भी जोखिम भरा हो गया है। वहां के लोगों ने बताया कि गांव के शहीद की शहादत को यादगार बनाने के लिए सरकार के निर्देशों पर विभाग द्वारा गांव में करीब 100 परिवारों को शहीद के नाम के मार्ग की सुविधा दी गई थी, लेकिन पिछले कुछ समय से मार्ग की हालत बद से बदतर हो गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस मार्ग की स्थिति को सुधारने के लिए कई बार विभाग को लिखित व मौखिक अवगत करवाया गया, लेकिन विभाग के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। हाँ तो सर, ये मार्ग कौन से गांव को जाता है? ये गांव बलवाड़ा के लिए जाता है। ये पीडब्ल्यूडी के अंडर नहीं, पीडब्ल्यूडी के अंडर नहीं है। अच्छा, पीडब्ल्यूडी के अंडर नहीं है। ये मार्ग किस लिए, किसके नाम पे बना था? ये शहीद सुना है, शहीद नाम से बना था। अच्छा, शहीद जी के नाम पे बना हुआ है। तो इसकी हालत बड़ी ख़राब है, इसके बारे में डिपार्टमेंट को बताया नहीं कभी? बताया, उनको कोई एक्शन ही नहीं लेते वो तो। अच्छा, क्या बोलते हैं? पिछली बार भी काम करके गए, लुक वगैरह डालिया तो वो एक एक इंच लुक डालते हैं। अच्छा, साइड साइड में इसकी नालियाँ बढ़नी चाहिए और पक्की स्लैब बढ़नी चाहिए इसके लिए। एक गांव कौन सा पड़ता है? गांव बदवाड़ा। बदवाड़ा गांव के लिए कितने घर हैं इस रास्ते से गुजर के जो लोग प्रतिदिन जाते हैं? 80-85। अच्छा, 100 के लगभग रख लेते हैं। हाँ, 100 के लगभग। अच्छा, तो आपने कभी विभाग को लिखित भी बताया या सिर्फ फोन के माध्यम से या वैसे? बताया कई बार। आप चीजी की विधवा हैं आप? हाँ जी। तो ये आपके पति जी स्वर्ग सुधार गए हैं, देश के लिए कुर्बान हुए, उनके नाम पे रास्ता बना है। तो इस रास्ते की बड़ी दुर्दशा है ये। हाँ जी। तो इसके बारे में विभाग को बताते कैसे आप, सिर्फ फोन करके बताते हैं या लिख देते हैं उनको? लिखी की भी दिया, फोन करी बताया। अच्छा, अखबार भी लाया, सब कुछ किया, रास्ता नहीं बना, मंत्री भी गए। अच्छा, कोई सुनाई नहीं हुई हाड़ी। तो सर, ये जो मार्ग के बारे में आप डिपार्टमेंट को बताया था, आगे बताने जा रहे होंगे, तो अगर फिर भी कार्रवाई नहीं हुई तो फिर क्या करेंगे आप? फिर हम जकायाम करेंगे। तो अभी बताया कब था डिपार्टमेंट को? तकरीबन हो गया महीना 15 दिन था। अच्छा, महीना 15 दिन हो गया। अगर नई रोड बनता है तो आप चक्का जाम करेंगे? हिमाचल एक्सप्रेस के लिए फतेहपुर से सुरेंद्र मिन्हास की रिपोर्ट।